नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कल 9 फरवरी मौनी अमावस्या है। आपको जो मैं ये उपाय बताने वाला हूँ, कुछ एक दो ही उपाय है, लेकिन ये उपाय आपको बहुत काम में आएंगे। ये बहुत आसान उपाय है, लेकिन इसका आपको बहुत अच्छा फायदा रहेगा आपके लाइफ में। तो क्या उपाय है हम देखते हैं। ये उपाय आप जनरल किसी भी अमावस्या में भी कर सकते हैं। अमावस्या के दिन जो मौनी अमावस्या है कल, इस दिन आपको पीपल का जो पेड़ है उसकी पूजा करना है। पीपल के पेड़ को किसी भी अमावस्या या शनिवार के दिन दूध पानी मिलाकर दूध चढ़ाना चाहिए। इसके बाद आपके पितरों को याद करते हुए वहाँ पर आपको एक दीपक जलाना है और उसकी 7 बार परिक्रमा करनी है। ध्यान में रखिए, जो पीपल का पेड़ होता है वो हमारे पितरों से संबंधित होता है और उसको 7 प्रदक्षिणाएं करनी है। पीपल की पूजा अर्चना करने के बाद गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन कराए। अगर आपको भोजन कराना पॉसिबल नहीं है, उतना समय नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ अन्नदान कर सकते हैं। आप उनके लिए कुछ ब्रेकफास्ट के पैकेट लेके जाइए, या फिर कुछ भी जो आपको पॉसिबल है, बिस्किट्स है, कुछ भी आप उनको खाने के लिए दीजिए। धार्मिक मान्यता है कि पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में शिव जी और वृक्ष के अग्रभाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है। ऐसा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है और लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। यानी कि आपको धन अर्जित करने में कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो इसकी वजह से, पितरों के कृपा की वजह से वो आपको दूर होने में मदद मिलेगी। दूसरा उपाय ये है कि मौनी अमावस्या के दिन पितरों के नाम तर्पण, पिंडदान, पुण्य और ब्राह्मण भोजन कराए। ये सभी तरह के दोषों से मुक्ति मिलती है। तर्पण यानी कि क्या होता है कि तर्पण जो तिलांजलि जिसको कहते हैं, कि तिल अर्पण करना अपने पितरों को, तो वो तर्पण आप कर सकते हैं या किसी ब्राह्मण द्वारा भी आप तर्पण करा सकते हैं। लेकिन अगर अमावस्या के दिन तर्पण आप हमेशा अमावस्या के दिन करा के लेते हैं ब्राह्मण से या खुद करते हैं, तो इसका आपको, आपके बच्चों को बहुत अच्छा फायदा मिलता है। अगर पितृ दोष है या घर में साउथ वेस्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तो इन सभी प्रॉब्लम्स में या घर में अनबन हमेशा लगी रहती है, तो भी तर्पण हमेशा करना चाहिए। कुछ अगर अशांति है तो हमेशा तर्पण करते रहना चाहिए। अमावस्या के दिन कीजिए, रोज कीजिए, बहुत अच्छा फल मिलता है। लेकिन अमावस्या के दिन उसका बहुत अच्छा फल होता है। पिंडदान, दान पुण्य और ब्राह्मण भोजन कराने से सभी तरह के दोषों से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। साथ ही मंदिरों के बाहर बैठे लोगों को दान करें और गरीब वो जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराए। ऐसा करने से दरिद्रता दूर होती है और परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है। तो ये दो उपाय है। तीसरा उपाय ये है कि आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर दिया जलाना है। शनि को वहां पर, शनि मंदिर में भी आपको दिया जलाना है। ये उपाय अगर आप अमावस्या के दिन करते हो, खास करके कल की जो मौनी अमावस्या है आप करते हो, तो ये आपको बहुत फायदेमंद रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।